गुलाब के पौधे के केयर के ऊपर मैंने पहले ही काफ़ी सारा वीडियो बना के रखा है। आज जो हमारा वीडियो का मेन टॉपिक है वो है गुलाब के पौधे के फ्लावर्स खिलने के बाद गुलाब के पौधे का केयर के ऊपर। इसके अलावा हम बात करेंगे गुलाब के पौधे का एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम सेवन लीव्स के बारे में। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अक्सर गुलाब के पौधे में फ्लावर्स खिल जाने के बाद हम फ्लावर्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं और इन फ्लावर्स के ऊपर हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता और इसके चलते अपने पौधे का ग्रोथ काफ़ी रुक जाता है और हमें नया फ्लावर्स नहीं मिल पाता। इसीलिए फ्लावर्स खिलने के बाद का जो केयर है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मेरे पौधे में काफ़ी सारा फ्लावर खिला हुआ है और ये फ्लावर्स अब ख़राब हो चुके हैं। सबसे पहले हम इन फ्लावर्स को कट कर देंगे क्योंकि अपने पौधे के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर हम इन फ्लावर्स को अपने पौधे के साथ लगा रहने देंगे तो ये फ्लावर्स अपने पौधे से एनर्जी लेता रहेगा और अपना पौधा नया फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इसीलिए इन फ्लावर्स को रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब फ्लावर्स सड़ने शुरू हो जाए तभी आप इनको रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि कट आपको कहाँ पर करना है। पौधे के ब्रांच के जिस पार्ट से पत्ते निकलते हैं उसको नोड एरिया कहते हैं। जब भी आप पौधे के ब्रांच को काटें यानी प्रूनिंग करें तब हमेशा नोड एरिया के ठीक ऊपर प्रूनिंग करें। और गुलाब के पौधे के ब्रांच को प्रूनिंग करने के टाइम पे आप बस 10 से 15 सेंटीमीटर छोड़ के उसके ऊपर का जो नोड एरिया होगा उसके ठीक ऊपर कट कर दीजिए। गुलाब के पौधे के जितने नीचे आप कट करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा ब्रांचेस मिलेंगे और गुलाब के पौधे के लिए जितना ज़्यादा ब्रांचेस होंगे उतना ही ज़्यादा फ्लावर्स आपको मिलेंगे। इसीलिए जितना नीचे हो सके यानी 10 से 15 सेंटीमीटर छोड़ के आप गुलाब के पौधे के ब्रांच को कट कर दीजिए और कट करने के टाइम पे हमेशा 45 डिग्री एंगल में कट कीजिए। कट करने के टाइम पे आप नोड एरिया को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पत्ते का नोड एरिया यहाँ पर है और अगर यहाँ से ब्रांच निकला तो इस तरीके से जाएगा, लेकिन इस पत्ते का नोड एरिया अंदर की तरफ है तो अगर यहाँ से ब्रांच निकलेगा तो अंदर की तरफ जाएगा जो अपने लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए आप पौधे के ब्रांच का 10 से 15 सेंटीमीटर छोड़ के जो भी नोड एरिया बाहर की तरफ जा रहा है यानी बाहर की तरफ ब्रांच निकलेगा उसके ठीक ऊपर आप 45 डिग्री एंगल में कट कीजिए। मैं भी यहाँ पर अपने पौधे को कुछ इस तरीके से कट कर देता हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से मैं अपने पौधे का सभी ब्रांच को कट कर दूंगा। पौधे का प्रूनिंग करने से पहले आप कटर यानी प्रूनर को अच्छी तरीके से शुद्धिकरण कर लीजिए। इसके लिए आप सैनिटाइजर या फिर एंटीसेप्टिक लिक्विड या फिर अल्कोहल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ही अपने पौधे का प्रूनिंग कीजिए। इससे आपके पौधे के कटे हुए पार्ट में कोई भी फंगल या फिर बैक्टीरियल अटैक होने का चांस काफ़ी कम हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं हमेशा कहता हूँ प्रूनिंग करने के टाइम पे आप ब्रांच को हमेशा 45 डिग्री एंगल में कट कीजिए। इसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है पौधे को अगर हम 45 डिग्री एंगल में कट करते हैं तो उस कटे हुए पार्ट में पानी जमा नहीं रह पाता और इससे अपने पौधे के ब्रांच में कोई भी इन्फेक्शन होने का चांस काफ़ी कम हो जाता है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं इस फ्लावर को मुझे और भी पहले प्रूनिंग कर देना चाहिए था, इसीलिए इसके नीचे से कितने सारे नए नए ब्रांचेस निकल चुके हैं। अगर हम इस ब्रांच को रहने देते तो अपने पौधे का शेप खराब हो जाता, इसीलिए हम ब्रांच के बिल्कुल नीचे से 10 से 15 सेंटीमीटर छोड़ के प्रूनिंग कर देंगे। इसके अलावा प्रूनिंग करने के टाइम पे अगर आपको ऐसा कोई नया ब्रांच नज़र आए जो बिल्कुल नीचे से आ रहा है तो आप उस ब्रांच को रहने दीजिए क्योंकि ये ब्रांच बाद में एक मैच्योर ब्रांच बन जाएगा और जब हम इसको 10 से 15 सेंटीमीटर छोड़ के प्रूनिंग करेंगे तब हमको बहुत सारा नया नया ब्रांच मिल जाएगा और अपना पौधा और भी बूशी हो जाएगा।
अब हमारा प्रूनिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम पौधे के नीचे से थोड़ा सा जो घास घूस है या फिर सूखे पत्ते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा कंपोस्ट फर्टिलाइजर हम इसके साथ मिला के अपने पौधे में भरपूर पानी दे देंगे। अब हम बात करते हैं हमारे वीडियो का दूसरा टॉपिक यानी गुलाब के पौधे का सेवन लीव्स प्रॉब्लम के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं सेवन लीव्स प्रॉब्लम आखिर है क्या। अच्छे फ्लावर्स के लिए गुलाब के पौधे में ग्राफ्टिंग किया जाता है। नर्सरी में एक जंगली गुलाब के पौधे के ऊपर अच्छे वैरायटी का गुलाब के पौधे को ग्राफ्टिंग किया जाता है और जब वो ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो जाता है तब वो पौधा हमें सेल कर दिया जाता है और उस पौधे में काफ़ी सारा खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर हमें देखने को मिलता है। जब हम उस पौधे को अपने घर पर ग्रो करते हैं तब ग्राफ्टिंग एरिया के नीचे से यानी वो जो जंगली पौधा था उसके ब्रांच से हमें एक इस तरीके का ब्रांच नज़र आता है। वो एक जंगली ब्रांच होता है और इस ब्रांच में कोई भी फ्लावर हमें नज़र नहीं आता। और अगर हम इस ब्रांच को अपने पौधे के साथ लगा रहने देते तो धीरे धीरे अपना जो ग्राफ्टिंग वाला यानी अच्छी वैरायटी का गुलाब का पौधा था वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसीलिए ये एक बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम है गुलाब के पौधे के लिए। इस ब्रांच को पहचानने के लिए आप कुछ बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहले आप इस ब्रांच का जो ऊपर वाला पार्ट है वह पर नोटिस कीजिए। ये एक जंगली ब्रांच है और इसमें कभी भी फ्लावर्स नहीं लगते, तो इस ब्रांच के ऊपर आपको कोई भी फ्लावर बर्ड आपको नज़र नहीं आएगा। दूसरी बात यही है कि इस ब्रांच में बहुत ही ज़्यादा कांटे आपको नज़र में आएंगे। इसके अलावा इस ब्रांच में हमेशा आपको सेवन लीव्स यानी सात पत्ता नज़र आएगा। इसके अलावा इस ब्रांच का कलर हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ही हरा होगा, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे अच्छे वैरायटी के जो ब्रांच निकलते हैं उनका कलर हमेशा रेड होता है। और इसके अलावा आप नोटिस करेंगे कि ये ब्रांच ग्राफ्टिंग एरिया के ठीक नीचे से निकला है। इस ब्रांच को देखने के बाद ही आप इसे बिल्कुल नीचे से तोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पौधे के लिए ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। ये ब्रांच धीरे धीरे मिट्टी के अंदर से सारा न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर खींच लेता है और बहुत ही जल्दी बड़ा हो जाता है। इस ब्रांच को देखने के बाद तुरंत आप उस ब्रांच को तोड़ दीजिए। गुलाब के पौधे को ग्रो करने के बाद 2 से 3 साल आपको ये प्रॉब्लम नज़र आएगा। उसके बाद धीरे धीरे ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कटे हुए पार्ट में आप अच्छी तरीके से फंगिसाइड का पेस्ट लगा दीजिए। पहले भी बताना भूल गया, ब्रांच को काटने के बाद भी आप हमेशा एक फंगिसाइड का लेयर अपने पौधे में लगा दीजिए। यही था आज का वीडियो गुलाब के पौधे का केयर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप गुलाब के पौधे के बारे में और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए रोज़ मिशन गार्डनिंग। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।